एक चीज दिखाएंगे, एक दो तीन। चलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीटीएस के व्लॉग में। और गाइस आज हम जा रहे हैं मंदिर। सो गाइस आज हम जाएंगे दीपा मंदिर, देखते हैं। अभी तो पापा गए गुड़ लेने, तो जब वो आएंगे तभी हम जा पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय दीदी, बाय 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 बाय। चलो बाय। गेट बोल यहाँ खुलो, बंद छुटा कालू मुंडी बांध ना कर कालू। कौन सा खुला है? दरवाजा खुला गया सर। पुणे सर कदी थोड़ा खुला गया दरवाजा। बाय बाय बाय। नमस्ते 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 नमस्ते। बाय 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 सबको। बाय बाय। आ रखो आ रखो, बोलो दीवा माता की जय। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं मंदिर मंदिर दीवा। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं दीवा मंदिर। तभी हम दीवा मंदिर फाइनली पहुंच चुके हैं। और दीवा मंदिर का रास्ता इस सीढ़ियों से ऊपर के लिए जाता है। और यहाँ पर तो अभी घने जंगलों के बीच से जाना पड़ेगा गाइस लिटरली। और 4 किलोमीटर का सफर है, देखते हैं कैसे कर पाएंगे। और सो चलते हैं अभी दीवा मंदिर की तरफ। सो गाइस ये कह रहे हैं कि अभी हमें तो 4 किलोमीटर है। हाँ सो गाइस अभी ये कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे ऊपर जाने में। 4 किलोमीटर मतलब 12 के। 12 का है? हाँ गरीब। सो गाइस अभी चलते रहते हैं। अब हमारे तो गाइस देखो यहाँ पे हिमालय दिख रहा है और बहुत सारे दिख रहे हैं इधर। आओ तो ये तो हम आपको ऊपर भी दिखाएंगे। तो इधर था मैं गाँव जब आया था, और तब मैं इधर आया था दीवा पे, और उसके बाद मैं सीधा अब आ रहा हूँ 14 का हूँ उस टाइम। ये बोल तू तो पता नहीं कौन सी कची है। इधर हम चूड़ियाँ चलाते हैं, चढ़ाते हैं देवी की मंदिर। और यहाँ पर चाची अभी चूड़ी चला रही है, चढ़ा रही है। और यहाँ पर चाचा भी आते हैं, दादी। और अभी चलते ऊपर। सो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पर। और गाइस आप पीछे का व्यू देखो एक बार। या बॉय कतई डेवल वाला। गाइस देखो मेरे को यहाँ पर अभी वो शेर शेर के पंजे दिखे। देखो यहाँ पर ये देखो जैसा आपको दिख रहा है। और इधर भी है, मुझे हटना हटो तो सही। देखो इधर साइड दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे में ऐसे 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 ऐसे। चिंगम चिंगम ये भी है, यहाँ पे भी है। किधर? तो वही तो दिखाया ये रहा उधर। और गाइस देखो इधर ये घिसड़े थे, मतलब इन्होंने अपने पैर ऐसे करे थे। गजब। अभी जो मंदिर है ना वो गाइस हो रहा, रुक जाओ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, रुक जाओ। वो सो गाइस देखो यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। देखो ये खड़ी चढ़ाई पूरी, हम चढ़ के आए हैं। हम चढ़ के वाले रास्ते से हम आए, बच्चे बच्चे और हमारे चाचा और बाकी दादी और वहाँ से जा रहे हैं अच्छे रास्ते पर, वो लंबा रहे। और मैं भी आ रहा हूँ। गाइस सो गाइस अब आपको एक चीज दिखाएंगे, एक दो तीन। ओह डैम गाइस गाइस लिटरली गाइस व्यू बोलते हैं गाइस लिटरली। तुम्हारे को ऐसा लगेगा किसी ने पकड़ रखा है। इतनी शायद ना रुक जाओ
गाइस वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकते, पर ये देखो गाइस ये तो कोहरा हो रहा है ना, सामने से पता चल गया कि इसने ऐसे पकड़ रखा है हाथ। मन कर रहा है यहीं पे बैठ जाए पूरे दिन के लिए। सो गाइस हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी कि और आपको लद्दाख का भी मिल जाएगा। आपको लद्दाख का व्यू दिखाऊं क्या? लद्दाख देखो बोरी, ये लद्दाख है, ये हिमालय है और ये कहुरा कहुरा पढ़ने भाई आज आ गई जा रही गई जाओ वो घंट तेरी दीवान की मैं हंसे गुजर चुका हूँ भाई। गाइस लिटरली गजब गजब बोलते जन्नत है ये तो रथ के ऊपर जाने फिर होना है क्या? अरे I'm damn sure सो गाइस यहाँ पर अभी आ चुके हैं पापा और चाचा चाची और दादी भी आ चुकी है और ये रहे हमारे हमने इन सबसे सुंदर भी नहीं ब्लॉग बना भाई बनाते रहो। सो गाइस अभी हमारी हम पहुंच चुके हैं मंदिर। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर और मंदिर तो अभी बहुत लंबा था, अभी तो बन ही रहा है पर यहाँ पर मंदिर बना है अभी। और इधर रेडियो चल रहा है पुराने जमाने का पुराने जमाने पर हम दीवा माता के दर्शन करने के लिए आए हैं और देखिए दीवा माता के दर्शन हो गए, हमने कर लिए। भव्य मंदिर बहुत ही सुंदर है और इसके यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचने में हमें मेन रोड से 4 किलोमीटर की जंगल की यात्रा करनी पड़ी और यहाँ से हिमालय कितना सुंदर दिखाई दे रहा है भाई। अब देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य और ये मंदिर की बहुत मान्यता है दीवा माता की, मान्यता बहुत दूर दूर तक है। यहाँ पे जाने के बाद लगता है कि हम बादलों की छाँव में आ गए हैं, चारों तरफ कितने मस्त बादल दिखाई दे रहे हैं और आप सामने देखेंगे तो क्या जबरदस्त झाल है ये देखिए, क्या मस्त पहाड़ दिख रहे हैं। थोड़ा सा जूम किया जाए जूम किया मैंने आपके लिए, वहाँ पे बड़े हैं बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ये देखिए गाइस हम बिल्कुल पहाड़ों के बादलों की छाया में आ गए हैं। ओए हो इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, सारे बादल ही बादल बने, बादलों के ऊपर है हम। इधर तो फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है और अभी ये जंगल ऐसे हो जाएगा, जंगल के अंदर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान ली गाइस हमें शाम हो चुकी है और बहुत लेट हो रहे हैं हम, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम आ गए हिमालय दिखा दिया, हिमालय सब देख चुके हैं। बादल देखे कैसे प्यारे लग रहे हैं, सूरज बादलों के बीच में छुप गया है, सूरज कहीं दिख ही नहीं रहा। फोकस मारो
थक चुप रहे हैं, तो कृपया करके आराम से आए। गाइस बहुत ही जबरदस्त सीन है, क्या बोलूँ, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बादल इतने जबरदस्त तरीके से छा रहे हैं कि हमें घर कहीं कुछ नहीं दिखा दे रहे, पहाड़ तक छुप चुके हैं हम, ऐसे लग रहा हम पहाड़ों के ऊपर आ चुके हैं। अभी तो हम दर्शन करके आ गए दीवा माता के, तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि तो अभी टाइम हो रहा है, शाम हो चुकी है, तो अगर शाम भी होती तो हम वहीं पर ही रहते थोड़ी देर तक, और अभी तो शाम हो रही है और सूरज भी ढलने ही वाला है, मतलब ज़्यादा नहीं बचा, मतलब हो जाएगा, तो अभी तो फिलहाल हम नीचे जा रहे हैं जल्दी से जल्दी कि जल्दी पहुंच जाए, तो अभी तो चलते हैं। और दादी तो एकदम तेज भाग रही है, एकदम चीते की तरह साँव करिए, बोलती जा, जय माता जी बोलती जा। क्या ओहो देखती हो आगे जान आ ले आओ जी सो गाइस हम दीवा मंदिर से नीचे जा रहे थे, और नीचे जाके हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो हम ना ही नीचे जाने का बना पाए और ना ही ब्लॉग एंड कर पाए, तो इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर ही करते। तो आइए आपको बड़ी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा आपको और प्रेस करना, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो गाइस आपको मिलता है अगली वीडियो में, बाय।